A major breakthrough in the Sandesh Kali molestation and land grabbing case. The chief accused and TMC leader Shah Jahan Sheikh was arrested by the West Bengal police. However, following the arrest, many in the opposition have raised questions about the fashion in which he was arrested. Now, here is what BJP's Giriraj Singh has said on the arrest. Let's listen in. Aur giraftari karne mein इतनी देर कर दी, गाना है ना कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो ममता बनर्जी आप तुष्टीकरण के लिए वोट के लिए शाहजहां जैसे दरिंदों को बचा करके हिंदू की बहु बेटियों का इज्जत लेने का काम करवाया है, उसके उत्पीड़न के ताप से ममता बनर्जी आप जल जाओगी। Well, of course, viewers, there you heard what Giriraj Singh had to say. In fact, joining us at this point of time is my colleague Renik Datta. Renik, of course, you know, again, the opposition, the BJP has now again spoken about the fashion in which Shah Jahan Sheikh was arrested. They're talking about, you know, why did it take so much time? Why was he not there in the picture for 55 days? Look at the way in which he's walking. They're talking about his body language. They're talking about why it took so much time. To that, what more details can you share with the viewers as far as these comments and these questions are concerned? एकदम देखिए शेख शाहजहां को अरेस्ट करने में 55 डेज क्यों लगा, यही क्वेश्चन है, यही सवाल है। बार बार से ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है कि शेख शाहजहां के साथ वेस्ट बंगाल पुलिस का एक डील हो चुका है। जैसे कि ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी क्लेम किया गया था कि पुलिस के साथ शेख शाहजहां का एक डील फाइनल हुआ है और इसी वजह से पुलिस का सेफ कस्टडी में रहेगा ये शेख शाहजहां और उनको 5-star फैसिलिटी दिया जाएगा, ऐसा एक हैंडल में वो पोस्ट भी किए थे। उसके बाद ही देखा गया शेख शाहजहां को पुलिस की तरफ से अरेस्ट दिखाया गया। उसके बाद शेख शाहजहां को जब कोर्ट प्रोडक्शन किया गया था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी तरफ से कहा गया कि एक अरेस्ट होने जिसको अरेस्ट किया गया है उसका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से कैसे हो सकता है, यानी पुलिस की तरफ से उनको एश्योर किया गया है कि उनको जो सुविधा वो सुविधा मिलेगा, उनका जो केस है वो केस पर कंट्रोल किया जाएगा और उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसमें उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा है कि ये कोई अरेस्ट नहीं है, ये एक समझौता है शेख शाहजहां और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में, और इसी बात को बार बार से अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सीआईडी का जो इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस टेम्पर्ड हो सकता है, ऐसा क्लेम है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सीआईडी और वेस्ट बंगाल पुलिस ये शेख शाहजहां को हिरासत में लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चला रहा है वो चलाएगा, तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो एविडेंस, वो एविडेंस टेम्पर्ड हो सकता है। और इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि वो लोग शाहजहां शेख को खुद का हिरासत में ले और इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि शेख शाहजहां जो जिसके अगेंस्ट में वेस्ट बंगाल पुलिस के पास बहुत सारे मामले हो सकता है, मगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास जो मामला है वो रेशन घोटाले मामला है, जिस मामले में वेस्ट बंगाल का मिनिस्टर ज्योति प्रिया मल्लिक भी अरेस्ट हुए हैं और ज्योति प्रिया मल्लिक के रिलेटेड है ये शेख शाहजहां। इसके माध्यम से पूरा टोटल नॉर्थ 24 परगना एरिया में फूड सप्लाई का काम किया जाता था और ये पूरा मामला 10,000 करोड़ का एक घोटाला है, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना है। यानी ये शेख शाहजहां के खिलाफ में ये 10,000 करोड़ रुपया का जो रेशन घोटाले मामला, ये घोटाले मामला है और इसका एविडेंस टेम्पर्ड हो सकता है, ऐसा कहना है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। दूसरी तरफ ये शेख शाहजहां के खिलाफ में ईडी के पास दूसरा और एक केस है जिसमें करीब 150 करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन हुआ था शेख शाहजहां के साथ और दूसरा एक कंपनी का, और ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस भी है ये शेख शाहजहां के खिलाफ में। और इसी बीच में सेंट्रल एजेंसी इनको जब पकड़ने गया था उसी टाइम में ईडी के ऊपर हमला हुआ था, उसी घटना में वेस्ट बंगाल पुलिस आज अरेस्ट किया है शेख शाहजहां को। 10 दिन का जो पुलिस कस्टडी मिला है, सीआईडी कस्टडी मिला है,
सीआईडी की तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां के खिलाफ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये मामला सिर्फ एक मामला है, क्योंकि शेख शाहजहां के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट भी कहा था इसके खिलाफ में 42 के ऊपर एफआईआर है, जिसमें से 44 चार्जशीट भी हो चुका है, और इसी घटना को लेकर सीआईडी जांच करना चाहते हैं कि ये शेख शाहजहां के पीछे कौन कौन शामिल है। शेख शाहजहां ये जो 55 डेज बाहर था, इस टाइम में कौन कौन इनको शेल्टर दिया था, किसके किसके साथ बातचीत भी हुआ था, और कोई बड़ा लीडर इनके साथ शामिल है कि नहीं, वो भी सीआईडी की तरफ से देखा जाएगा। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से मूव किया गया है कि 6 तारीख को जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस है, उस केस का जो सुनानी है, उस हियरिंग को जल्द से जल्द किया जाए, फर्स्ट हियरिंग, अर्जेंट हियरिंग किया जाए, उसका अपील भी कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से किया गया है। अभी देखना है कि ये जो सीआईडी का जो पीसी पीरियड, ये पीसी पीरियड में शेख शाहजहां के खिलाफ में कौन सा सबूत सामने आता है, कौन सा नाम सामने आता है, क्योंकि शेख शाहजहां में शेख शाहजहां के साथ साथ आमिर अली गाजी भी अरेस्ट हुआ है, उनको भी इंट्रोगेट करेगा सीआईडी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये पूरा संदेशकाली कांड में और कौन कौन शामिल है, कोई बड़ा लीडर इसमें शामिल है नहीं, वो भी खुलासा होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.